गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। आप जानते होंगे कि किसी भी इंसान ने बोला है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। किसी इंसान ने अगर ऐसा बोला है तो क्यों बोला है और ये कहां तक सही है, क्या यह बात सही है, इसी का आज हम डिस्कशन करेंगे कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस बात को हम प्रूव करने के लिए आप एक स्टोरी की ओर लेके चलते हैं। ओके, आइए इस वीडियो में आप 2 से 3 मिनट बने रहिए, हम इसका डिस्कशन करेंगे कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्या यह सही है और कितना सही है, इस बात को हम प्रूफ करते हैं। एक बार की बात है कि बादशाह अकबर और बीरबल शिकार पर गए। जब उन्होंने शिकार पर गए तो अकबर ने शिकार करने के लिए अपना धनुष बाण उतारे और जब उन्होंने शिकार कर रहे थे तो गलती से उनका एक उंगली कट गया। तब उस समय बीरबल कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जानते हैं अकबर इतना गुस्सा हुआ क्योंकि उनका उंगली कटा हुआ था और एक का दर्द हो रहा है और एक बोल रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए अकबर को बहुत गुस्सा आया। इसलिए उन्होंने गुस्से में अपने जो है ना सैनिक को बुलाए और कहे कि अकबर बीरबल को ले जाओ और इसको कारागाह में डाल दो, ठीक ना। और अब अकबर अकेले शिकार के लिए आगे चल जाते हैं। अकबर ने जब आगे बढ़े जंगल में तो उनको जो है ना बहुत सारे लोग, किसी राजा का सैनिक उनको घेर डाला और उनको बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे। जब उन लोगों ने अपने राजा के पास राजा अकबर को ले गए और बलि देने के लिए तैयारी कर रहे थे, तब उसी में से एक इंसान ने देख लिया कि राजा अकबर का तो एक उंगली कटा है, दैट मीन्स अकबर खंडित होल है, ठीक ना, और खंडित लोगों का कभी बलि नहीं चढ़ता है। इसलिए उस समय राजा अकबर को बलि नहीं दिया गया और उनको छोड़ दिया गया। जब अकबर अपने राज दरबार में आए तो बीरबल के पास गए और बीरबल से माफी मांगी कि बीरबल हम तुमके बुद्धिमानी को नहीं जान पाने, दैट मीन्स हम तुम्हारे बुद्धिमानी को नहीं जान पाए, हमको माफ कर दो। अगर तुम ना होता तो हमें आज बलि पड़ जाती। ओके, तो फिर अकबर दैट मीन्स बीरबल ने बोले, कैसा आप क्यों बोल रहे हैं महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस बात जब फिर बोल दिया दैट मीन्स बीरबल अकबर को कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो बोले हंसकर अकबर कि अच्छा बताओ, अगर हम तुमको कारागाह में डाल दिए थे तो क्या अच्छा ही किए थे। तो बीरबल कहते हैं, जी बिल्कुल सही हुआ था। तो बोला कैसे, तब उन्होंने कहे कि महाराज अगर आप हमको कारागाह में नहीं डालते तो हम आपके साथ जाते, और जब हम आपके साथ जाते तो हमको वहां बलि चढ़ जाता, क्योंकि आपका तो शरीर खंडित हो गया था लेकिन मेरा तो शरीर खंडित नहीं हुआ था ना, इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब अकबर को विश्वास हो गया कि बीरबल का कहना सही बात है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन्होंने इस बात को जो है ना प्रूव करके दिखाया। क्या आप भी जान गए होंगे क्या बीरबल का कहना सही था कि गलत, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए मेरे दोस्त आप भी अपने लाइफ में मेहनत करना ना भूलें, हिम्मत ना हारे किसी भी काम को कर रहे हैं तो, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसके प्रति आप मेहनत करते रहिए, धैर्य रखिए, हिम्मत बांध के रहिए, उसका परिणाम हमेशा सच्ची होगा, कभी भी किसी काम का परिणाम गलत नहीं होता है। ओके, ऐसे ही हम लोग अपने लाइफ में करते हैं, कुछ लोग अपने हिम्मत को बांध कर रखते हैं, ठीक ना, और वो काम को कर जाते हैं तो वो अपनी लाइफ में सफल हो जाते हैं। कोई इंसान होते हैं कि सफलता के दरवार पर जा रहे हैं लेकिन उनको किसी भी परेशानियां आने पर जो है ना वो अपनी हिम्मत को हार जाते हैं, वो ऐसे लोग असफल हो जाते हैं। आप जानते होंगे कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं कि बिना परेशानियों का बिना दुख का वो लाइफ में सफल हुआ होगा। अगर कोई भी इंसान है ना तो उसके पास मुसीबत आती है, परेशानियां आती है,
ठीक ना, वो परेशानियों का सामना करते हुए लाइफ में सफल होते हैं। ओके, तो आप भी परेशानियों से मत डरें। अगर आपके लाइफ में परेशानी आया है, इसका मतलब आप सफल होने वाले हैं। ओके, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।